अस्सलामुअलैकुम, सबसे पहले तो वेलकम टू माई चैनल एंड वी आर हियर। व्हाई वी आर हियर आयत? व्हाई वी आर हियर? वी आर हियर फॉर हेयर कट। मेरे बाल बहुत ख़राब हो गए हैं और मैं बहुत वेट कर रही थी और मेरे फेवरेट वकार हम उनके सैलॉन में आए हैं और आयत का भी हेयर कट ड्यू था, सो वी डिसाइडेड कि हम एक साथ जाएंगे और वकार से हम हेयर कट कराएंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? क्लास आज दिन आई गए हेयर कट का, इतने दिनों के बाद पूछ पूछ के। बेखासी शहर 15 days, yes, it's been 15 days, we've been planning. I want to cut too short, but I don't want to... इसको बाल बनाना सबसे मुश्किल काम है, तो हम थोड़ा सा वेट भी कम कर देंगे बालों का, ताकि तुम्हें इजी हो। माशाल्लाह इसके बाल बहुत अच्छे हैं और वन लेंथ है ना, इसको मुश्किल होता है हैंडल करना। यस, बहुत मुश्किल होता है सुबह सुबह कट डालते हैं, जो सुबह स्कूल जाते हुए जल्दी जल्दी बन जाए और इजी हो जाए। तब ये खुद ही बना सकती है बाल, खुद ही कर सकती है, वरना रोज मेरी ड्यूटी होती है। चलो लेट्स स्टार्ट विद आयत। जी तो आयत हम स्टार्ट कर रहे हैं उनके बाल काटना। अच्छा, मैं आपके बालों में डालना हूँ लेयर्स, ठीक है? स्क्वायर लेयर्स कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं थिन करूंगा बात, ताकि तुम्हें सुबह स्कूल जाने में मम्मा को तंग न करना पड़े, ठीक है? इसलिए चाह रहे हैं थोड़ा थोड़ा सा एंड में कलर दिए, जो छुट्टियाँ आएंगी ना 2 months की, तो हम नीचे नीचे ओमरे कर देंगे पिंक कलर में या ब्लू कलर में, ठीक है? फिर स्कूल खुलेंगे तो हम नीचे के बाल कट कर देंगे। हाँ, नीचे नीचे ओमरे करेंगे। अभी मैंने किया है, अपने आयत को मैंने अलाउ नहीं किया हुआ ना ऐसी चीज़। अच्छा, नहीं तो हम पता क्या करेंगे यार, हम ना देख के ना इतनी एक्साइटेड हम ना प्रॉमिस हम इतने इतने बालों में करेंगे, में करेंगे और सिर्फ हम इतने इतने बाल टिकट करा देंगे बालों से, ताकि तुम स्कूल जाओगी तो 2 months तुमने जब वेकेशन पे जाओगी तो एंजॉय करना। वेकेशन पे कहाँ जाओगी? इस दफा फारा के पास जाने का प्लान है। अच्छा, मैंने अपनी जितना मैंने फैसल भाई के साथ काम किया है, मैंने कभी उनको गुस्से में देखा, उनको गुस्सा आता है बशर मोमिन। हाँ, मैंने उसके एक में वो देखा कि उनको गुस्से का दिखाते ना कि वो थोड़े गुस्से में, तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ अब ये एक्टिंग करते हैं, क्योंकि मैंने कभी उनको गुस्से में नहीं देखा। और मैं आपको सच बताता हूँ, इससे फहद नहीं हूँ, ऐसे भाई इन लोगों से ना मैं जेन्यून प्यार, इन लोगों के साथ सेट होते हैं और ये देखा हूँ आर्टिस्ट के साथ। कैसा? हैप्पी? अब तुम खुद ब्रश कर सकती हो और अब इसमें हम ऐसे ऐसे इतने मजे मजे के हेयर स्टाइल बना सकते हैं, लाइक हम हाफ पोनी कर सकते हैं, हम साइड लिफ्ट कर सकते हैं, सी हाँ यू कैन मेक अ फुल पॉनी, सी एंजॉय योर हेयर, हैप्पी? आई थिंक सर, थैंक यू, थैंक यू, कम। और उसके बाद हम कट करेंगे एंड उसके बाद हम आपका जो डैंड्रफ का ट्रीटमेंट है वो भी साथ साथ कर देंगे, ताकि कट के साथ डैंड्रफ का ट्रीटमेंट भी हो जाए। थोड़ा सा क्रैक लगता है, हल्का सा छोटा सा दर्द रहेगा, बस बस रहेगा।
ये तो कुछ भी नहीं है, तो मजा आ रहा है मुझे, मैं सो सकती हूँ। आज आपको फेशियल वगैरह करा दे? फेशियल ना टाइम तो करा ले, पेडिक्योर करवा सकती हूँ। पेडिक्योर करवा दो, माय फीट दे डेस्परेटली नीड अ पेडिक्योर। पर मान के बाद से मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सैलून की शक्ल ही नहीं देखी। मैं कितने टाइम के बाद आ रही हूँ, साल के बाद आ रही है। एक दिन ऐसे बैठे गए, छुट्टी करें, बच्चों को संभाले, आप ठीक हैं, आप बाद रही हैं पूरा। लेकिन वही बात ना, अब थोड़ा सा पर मान भी सेटल हो रहा है, वो देखता है तो उसको समझ आ रही चीजें। और बड़ा वाले ना भी वैसे लड़के स्पेशली होते हैं कि जब शुरू शुरू में तो बहुत चिपके होते हैं, जैसे जैसे बड़े वाले शुरू होते हैं तो खुद को अपनी स्पेस चाहिए होती है, अपनी स्पेस चाहिए। वो बस अब वो इतना पर्टिकुलर है ना कुछ चीजों को लेके कि वो इतना सहवी एंड ही नोज, उसको अपनी चीजों का पता है, उसको बेटा किसका है, बहुत ड्रामा है वो, मुझे लगता है इसमें आ जाता है। जब उसकी मैं वीडियोस देखता हूं, इतनी क्यूट होती है, मुझे बिल्कुल लगता है सच्चाई कर रहा है वो, और उसको पता है वो ड्रामा कर रहा है, और ही नोज कि अगला एंजॉय कर रहा है, वो उसको और करेगा। ये सब मदर्स को फील, आई थिंक वो ये सब चीज को फेस करती है, इस एज के बच्चे चेयर रखता हूँ उसके लिए, उसको बिठा के उनका हेड मसाज करता हूँ, बैक पे स्क्रब करूंगा, उनकी गर्दन पे स्क्रब करूंगा। ये जो स्कूल में क्रिकेट भी खेलते हैं ना, गर्दन काली हो जाती है। ये मेरी लुक है अभी की, और मेरे बाल ये है मसला जी। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं कट। सबसे बड़ी बात, आपको लाइफ अचीवमेंट अवार्ड कवि साहब हैं, ये लोग हैं, इन लोगों को तो रिकॉग्नाइज नहीं करते, तो आप सोचें कितनी शर्म की बात होती है नए आर्टिस्टों के लिए। मेकअप एंटी बहन होती है और कवि साहब कमरे में लोग सब रहते हैं। आज सुबह ये 5:30 बजे उठती है, रात को 9 बजे सो चुके थे बच्चे, और उसके बाद आयत क्या कर रही थी, आयत ड्राइंग कर रही थी आज। आई गेस मेरी वो जो लेंथ थी, वो जो नीचे बाल थे खराब, वो सब चले गए, टाटा बाय बाय। कहीं से भी पार्टीशन कर लें, इट वुड लुक रियली गुड। और आई फील दैट हेड मेरा लाइट लाइट फील हो रहा है मुझे, ट्रीटमेंट बहुत अमेजिंग मिला है मुझे, और बहुत मेरे बाल गिर रहे थे, क्योंकि ये टाइम ऐसा है कि इसमें सर्दियां आ रही होती हैं,
मुझे पीछे बिल्कुल बीच में स्कैल्प मेरा ड्राई हो रहा था, हेयर फॉल हो रहा था, मेन रीज़न हेयर फॉल की थी, और वो भी इन्होंने मेरा पूरा ट्रीटमेंट किया है, ग्लॉसिंग की है और मेरे बालों को मज़ेदार सा शेड दिया। और ये शेड आई थिंक दिस शेड इज़ ऑलवेज इन, ये बिल्कुल वो शेड है जो मुझे हमेशा चाहिए था। एंड थैंक यू वकार, आई एम सो हैप्पी। लवली लवली, थैंक यू वकार, थैंक यू सो मच। आया हम एक सेल्फी लेते हैं। आए तो आप भी आए। टैलेंटेड वकार। So I love my hair. New haircut is amazing. है ना, मजे का हो गया ना। बहुत मजे का। मेरा बहुत अच्छा था आपको इस तरह का हाइलाइट वो देने के लिए, कलर के टिंट एक अच्छा सा आ जाए आपके बालों में। ये मैं बहुत टाइम से चाह रही थी और अब फाइनली मुझे मिल गया। यस। और आयत का भी हेयरकट इतना मजे का। अब आयत खुद ब्रश कर सकती है, अब उसे कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। और जो ट्रीटमेंट मुझे मिला आई थिंक स्पेशली उन लोगों के लिए, यस, जिनको सर्दियाँ आते ही जरा ड्राइनेस शुरू हो जाती है और स्पेशली एक पार्ट पे कहीं पैचेस बन जाते हैं, तो उसके लिए उनके मुझे पैच बन रहे थे और जब मैं स्क्रैच करती थी वो ड्राइनेस की होती है। पैच और ड्राइनेस पैच ऐसे होते हैं कि जब आपके ड्राइनेस का पैच बनता है तो वो येलो होना शुरू हो जाता है और फिर आप उसको ज़रा सा भी स्क्रैच करते हैं या अगर वो करते हैं कोम करते हैं तो वो सेंसिटिव हो जाती है वो जगह, डैमेज हो जाती है। कुछ लोगों को फंगल इन्फेक्शन भी हो जाता है, कुछ लोगों को और जैसे ऑयल या जैसे वो खवातीन जो स्कार्फ पहनती हैं उनके लिए तो ये बहुत बहुत अच्छी रेमेडी की आएँ आराम से अपना हाई फ्रिक्वेंसी कराएँ और इसका पूरा ट्रीटमेंट लें। उससे क्या होगा कि उनका सर मुस्तकिल ढका रहता है, सीबम रहता है अंदर, तो उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम। एग्जैक्टली वही मसला बहुत ज़्यादा होता है उसमें। और मुझे ये चीज़ था, मुझे लास्ट ईयर हुई थी थोड़ी सी एक पार्ट पर इन्फेक्शन थे, वो ठीक हो गई लेकिन उसमें टाइम लगा था। बट यू कैन सेव योर हेयर। और बाल तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। ये मुझसे पूछे। बिल्कुल। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है, अगर आप और कुछ भी चाह रहे हैं कि हम आपको दिखाएं या कहीं किसी ऐसी जगह लेके जाएं जिस पे आपको इंटरेस्ट है, तो डू टेल अस कमेंट्स बिलो। डिस्ट्रैक्शन, कमेंट कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करें। एंड थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सो मच।